यदि फ्रेंड आप सोचते हैं कि आप किसी भी स्मार्ट एंड्रॉयड फोन को आप अपने घर बैठे ही अनलॉक कर सकते हैं, ये तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। जी हाँ, देखिए इस वीडियो में हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि अगर आपके पास दुनिया का कोई भी स्मार्टफोन है और लॉक हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे हाथ में जैसे लॉक हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ है। हो सके आपके फोन में 4 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ, या तो 8 डिजिट का, या तो पैटर्न लगाए होंगे, या तो आप फेस लो, या तो फिंगरप्रिंट। खैर किसी भी तरह का आप लॉक लगाए हैं तो आप हमारे इस ट्रिक के हेल्प से आप अपने फ़ोन को चुटकियों में अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना तो कंप्यूटर की, ना ही एप्लीकेशन की, ना ही डाटा केबल की। जी हाँ, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, बारीकी से देखिए, उसके बाद देखने के बाद अपने फ़ोन में ट्राई कीजिएगा तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। जी हाँ, ये देखिए ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा ऑफलाइन मोड है। जी हाँ, ऑफलाइन मोड है, और मैं ऑफलाइन मोड के थ्रू इस फ़ोन को रिसेट करूँगा। इस फ़ोन को हम जो भूले हुए पिन पैटर्न पासवर्ड है, इसको मैं रिसेट करूँगा, हटाऊँगा। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सबसे पहले जब आपका फ़ोन लॉक हो जाए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत बार यानी कि मेनी टाइम्स रॉन्ग पासवर्ड डाल डाल के अपने फ़ोन को यहाँ पे टाइमिंग शो कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने फ़ोन में गलत पिन पैटर्न पासवर्ड डालिएगा बार बार तो आपके फ़ोन में टाइमिंग शो हो जाएगा, फिर डालिएगा तो वो टाइमिंग फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आप ये गलती बार बार नहीं करें, आप अपने फ़ोन को मैक्सिमम 5 से 10 बार आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही आपका 10 बार से ज़्यादा हो जाएगा तो आपके फ़ोन में टाइमिंग शो हो जाएगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहला स्टेप, जब लॉकिंग वाला फेस में जाइएगा तो एक ऑप्शन दिखेगा, देख रहे हैं यहाँ पे पहले 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक इंटर पासवर्ड, लेकिन इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन उसके जस्ट नीचे देखिएगा इमरजेंसी कॉल, जैसे ही आप इमरजेंसी कॉल को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा जिसका नाम है इमरजेंसी कॉल्स ऑनली का पेज। इस पेज पे एक ऑफलाइन मोड का कोड इसमें पहले डालना है। आपके पास कोई भी फ़ोन हो, ये ऑफलाइन मोड का कोड काम करेगा, और जो मैं डिजिट इंटर कर रहा हूँ आप भी अपने फ़ोन में सेम इस तरह से इंटर कीजिए और लास्ट में हैज लगाइएगा, और यहाँ पे आपको 3 बार कॉल कीजिएगा। जैसे ही कॉल वाला बटन प्रेस कीजिएगा यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखेगा, देख रहे हैं कॉल फेल, द नंबर इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। और यहाँ पे जैसे ही आप ओके कीजिएगा ये वाला हट जाएगा, फिर से कॉल वाला प्रेस करेंगे, ओके करेंगे, फिर से कॉल वाला प्रेस करेंगे, फिर से ओके करेंगे, यहाँ से मेरा फ़ोन चला गया ऑफलाइन मोड में। अब इसको यहाँ से हटाइएगा, इसको मैंने इरेज किया है। अब एक फाइनल कोड है जिसको बोलते हैं मास्टर अनलॉकिंग कोड, ये रहा *8899, और हैज जैसे ही प्रेस करेंगे आपका फ़ोन चला जाएगा, देख रहे हैं इंजीनियर मोड वाले पेज पे, देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पेज है बहुत ही खतरनाक है, और जिनको जानकारी है वही इस पेज को छेड़छाड़ करें, आप अपने मन से ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल जिनको जानकारी नहीं है तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद ही आप सेम टू सेम अपने फ़ोन में ट्राई कीजिएगा तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। देखिए इतना सारा ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपको चल जाना है मैनुअल टेस्ट पे, जो ऊपर से नंबर 4 पे दिया हुआ ऑप्शन है मैनुअल टेस्ट, इसको मैंने क्लिक किया है। और जैसे ही क्लिक करेंगे नया पेज ओपन हो जाएगा, सेकंड वाला पेज पे चल जाना है जिसका नाम है डिवाइस डबिंग में आपको चल जाना है प्रॉक्सीमीटर सेंसर टेस्ट, इसको क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको सेकंड वाला पेज देख रहे हैं, सेकंड ऑप्शन प्रॉक्सीमीटर कैलिब्रेशन, इसको क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आपसे देख रहे हैं मांग रहा ओके, लेकिन आपको यहाँ पे ओके 3 बार करना है, 3 टाइम्स करना है, 2 एंड 3, 3 टाइम्स जैसे ही कंप्लीट हो जाए इस पेज से इस तरह से बैक हो जाइएगा। अब बैक हो जाने के बाद अब आपको चल जाना है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हर फोन में जो भी हम लोग जो स्क्रीन लॉक लगाते हैं और जो भी हम पिन पैटर्न पासवर्ड लगाते हैं उसमें सही डालते हैं तो फ़ोन में सेंसर होता है, वो सेंसर उसको रीड करती है, उसके बाद ही कोई भी फ़ोन अनलॉक होता है। फिलहाल हम इस फ़ोन में जो 6 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ था वो हम भूल गए थे, हम सही पासवर्ड नहीं डाल रहे थे, तभी इस फ़ोन का सेंसर रीड नहीं कर रहा था और ये फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा था। फिलहाल
इस सेंसर को पहले ऑन करना है। सेंसर ऑन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे दो तरह के सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप। देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से ऑपरेशन नॉट स्टार्ट, ऑपरेशन नॉट स्टार्ट। नीचे से आपको इस तरह से क्लिक करना है, कोई टेस्ट पास ग्रीन कलर में आएगा। जी हाँ, देख रहे फिलहाल यहाँ पे एक वाला देख रहे, नीचे वाला हमारा जो सेंसर है जायरोस्कोप नीचे वाला आ चुका है। तो जब नीचे वाला आ गया है तो यहाँ से बैक करेंगे, उसके बाद सेंसर ऑफसेट टेस्ट इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जायरोस्कोप आपको देखना होगा कि जायरोस्कोप कहाँ पे है। और जायरोस्कोप में सबसे लास्ट का डिजिट देख रहे, सबसे लास्ट का डिजिट देखना है, वन है कि जीरो है कि वन है, एट है, फाइव है, सिक्स, जितना रहे लास्ट में डिजिट। जीरो रहेगा तो एक मिस आपको क्लिक नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आप लास्ट में देख रहे एट है तो हम यहाँ पे आठ बार यानी एट टाइम्स इस तरह से क्लिक करेंगे। तो चलिए आइए क्लिक करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट बार था, मैंने एट बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। हमको लगा कि नाइन टाइम्स है लेकिन नाइन नहीं है, एट बार है। मैंने एट बार यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद इस पेज इस तरह से बैक हो जाएंगे और एक अदर नाम का पेज इसी पेज में मिलेगा जो आपको खोजना होगा आपके हैंडसेट में। फिलहाल यहाँ पे देखिए अदर नाम का पेज मिल गया, जैसे ही मिल जाएगा तो आपको डाटाबेस वर्जन पे 11 बार यानी 11 बार इस तरह से क्लिक करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड 11। 11 बार जैसे ही क्लिक हो जाएगा तो आपको ऊपर से सबसे नीचे वाला ऑप्शन है जिसका नाम है रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर, इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे चेक कीजिएगा कि आपका फ़ोन में पास या फेल है। जब आपका फ़ोन में इस तरह से पास हो जाए तो देखिएगा, ये बहुत समझिए तो पॉजिटिव रिजल्ट है। जी हाँ, पास हो, बहुत लोगों का फेल हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं ट्रिक को फॉलो करने में, अप्लाई करने में, तभी वहाँ उनका यहाँ पे फेल हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं पास हो गया है, तो यहाँ से इस तरह से बैक करेंगे। अब बैक करने के बाद आपको करना है ऊपर से सेकंड ऑप्शन रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे मांगेगा कंफर्म। जैसे ही ओके कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरह से आपके फ़ोन में रॉन्ग पासवर्ड डिटेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ये आपका रिसेट हो, जैसे ही आपके फ़ोन में इस तरह से आ जाए तो समझ जाइए आपको फ़ोन में जो भी लगा हुआ है स्क्रीन लॉक, जैसे कि फिंगरप्रिंट भी, फेस लॉक भी, पासवर्ड भी, पैटर्न भी, वो सब का सब रिसेट हो जाएगा। और 100% चेक कर लीजिएगा यहाँ से पहले की स्टेटस यानी ताला, मोबाइल में जो लॉक का स्टेटस है, ये देखिए इतने तरह का की है जो सब पास है। और आपको देखना ये है लास्ट में कि गूगल की पास है कि नहीं है, देख रहे गूगल की आपका पास हो गया है। अब हम इस फ़ोन को क्रॉस चेक करते हैं कि ये फ़ोन में जो 6 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ था वो हटा कि नहीं हटा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं ये सबसे पहला मैं क्रॉस चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए होम मेनू बटन है, अब मैं होम मेनू बटन को प्रेस करूँगा और मैं चेक करके दिखाऊँगा कि ये फ़ोन अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ, वन टू एंड थ्री। जी हाँ गाइस, देख रहे लाइव जो हमारे हाथ में जो फ़ोन है ये अनलॉक हो गया है बिना डाटा डिलीट किए हुए। मैं बोला था ये देखिए इस फ़ोन में जितने भी डाटा है सारा का सारा इसमें अवेलेबल है। देख रहे हैं इसमें सारा डाटा अवेलेबल है, फोटोज, MP3 सब का सब इसमें मौजूद है। तो फिर ये आप ट्राई कीजिए, आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट्स कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी।